Now there is a drama. क्या अनर्थ हो गया? मैंने कौन से पाप किए थे जो मेरे घर में बेटी का जन्म हुआ? अरे मिश्रा जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके घर लक्ष्मी पधारी है। हे भगवान, ये क्या नर्क हो गया? अब तो हमें नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। अब हम अपने रिश्तेदार को अपना मुंह कैसे दिखाएंगे? टीचर, जा बेटा इसे नदी में डाला। नहीं, मैं ऐसा नहीं करने दूंगी, क्योंकि ऐसा करना पाप है। ले डॉक्टर पैसे, अपना मुंह बंद रख। अब तो मैं अपना मुंह बंद ही रखूंगी। रुकिए, मैं बच्चे को ला रही हूँ। ये लीजिए। ले बेटा इसे नदी में फेंका। जी माँ, अभी जाता। आप इसे कहाँ लेकर जा रहे हैं? मैं इसे तालाब में फेंकने जा रहा हूँ। तुम चुप करो। इसे ऐसे मत कीजिए, इस मासूम की क्या गलती है? चल हट, इसे जिंदा कोई हक नहीं है। एक तो बेटी को जन्म देती है और कहती है इसे मत मारो, तुझे तो खुश होना चाहिए। तेरा काम मेरा बेटा कर रहा है। नहीं बाजी, ऐसा मत कहिए। इस मासूम की क्या गलती है? ये तो कुदरत का नियम है, छोड़ दीजिए इसे भगवान के। अरे आप लोग कैसे लोग हैं? आप लोग इतना बड़ा पाप कैसे कर सकते हैं? अगर बेटा पिता का सान है तो बेटी अभिमान है। दादी हो दादी, क्या हुआ? दादी मुझे 2000 रुपए चाहिए, दोस्तों के साथ पार्टी में जाना है। पर बेटा। दादी अम्मा मान जाओ ना। ले बेटा मेरा प्यारा पोता, जाके मस्ती कर। दादी मुझे स्कूल के फीस के लिए 500 रुपए चाहिए। अरे मनहूस कहेगी, मेरे पास 500 रुपए कहाँ से आएंगे? मेरे पास पैसे के पेड़ है क्या? रिया और रिया। जी दादी। चल तैयार हो जा, तुझे देखने के लिए लड़के वाले आए हैं। नहीं दादी, मुझे नहीं करनी है शादी, अभी तो मेरे पढ़ने लिखने की उम्र है। ये आप क्या कर रहे हैं? इतनी छोटी उम्र में इसकी शादी करवा रहे? अभी तो इसके पढ़ने की उम्र है, ये पढ़ने में अच्छी है, इससे बड़े होकर कुछ पढ़ने दो। ओ मैडम जी, ये मेरी बेटी है, मैं जो चाहूँ वो करूँ, मेरी मर्जी। ए मास्टर नी, तू चुप रह, ये मेरी पोती है। ठीक है चलिए, इसके पढ़ने के बाहर मैं उठा लेती हूँ। यार इन द मिडिल देखो बेटा, वो कहते हैं